नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुए दुर्गा विसर्जन बवाल और युवक के नृशंस हत्या के चलते बहराइच में आक्रोश जारी है। वहीं इस मामले से महज बहराइच ही नहीं बल्कि पूरे देश और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में लोगों का गुस्सा चरम पर है। लोग यही कह रहे हैं कि जब मुस्लिम समुदाय के त्यौहार अच्छी तरह से संपन्न होते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो फिर इन लोगों को यानी मुस्लिमों को हमारे त्यौहारों से नफरत क्यों। फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस मामले में कड़ी कार्यवाही जारी है। वहीं इस हृदय विदारक घटना पर सी न्यूज भारत पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कैसी व्यवस्था है, जहां रूट तय करना होगा कि क्या व्यवस्था है कि हमको मुस्लिम क्षेत्र से निकलना नहीं होगा। जब हमें उनके मुहर्रम के जुलूस से कोई दिक्कत नहीं तो उनको हमारे त्योहारों से क्या दिक्कत है। बहराइच की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ये उन लोगों की साजिश का परिणाम है जो सामाजिक सौहार्दता को बिगाड़ना चाहते हैं। जो लोग ये कहते हैं उनको भी ये उत्तर है। जो लोग हिंदू को सांप्रदायिक बताते हैं, हिंदू को संकीर्ण बताते हैं, हिंदू को असहिष्णु बताते हैं, वो देख लें आँख खोलकर कि कौन लोग असहिष्णु हैं और संकीर्ण हैं और सांप्रदायिक हैं। ये कौन सा इस देश के अंदर विषय है कि इस रास्ते से वो लोग नहीं निकलेंगे, इस रास्ते से वो लोग नहीं। विभाजन क्यों? और ये विभाजनकारी तत्व जो जातियों में बांटते हैं, धर्म में बांटते हैं, जब हिंदुस्तान आज़ाद है, सबको बराबर अधिकार हैं, सबको अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, तो यदि कोई अपना प्रोसेशन विसर्जन का हो या किसी और का हो और किसी रास्ते से निकाल रहा है तो, और अभी अमूमन तो परंपरागत रास्ते से निकाले जाते हैं और निकाल भी रहा है, तो इसमें ऐतराज़ क्यों? क्या मुहर्रम के जुलूसों को कोई ऐतराज़ करते हैं? हम लोग कोई नहीं करता। इसी तरह और जुलूस अन्य धर्मों के निकलते हैं, कोई ऐतराज़ नहीं किया जाता। ना वो लोग भी ऐतराज़ करते हैं जो अन्य धर्म के लोग हैं, सिर्फ एक धर्म को ऐतराज़ होता है और वो उसमें आक्रामक होता है। ये निंदनीय विषय है और बहराइच में तो जो कुछ हुआ वो उसकी पराकाष्ठा थी। लेकिन माननीय योगी जी का राज्य है, उनका शासन है, जीरो टॉलरेंस है, कोई अपराधी बचेगा नहीं, सांप्रदायिक स्वार्थ बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं। एक सवाल और है कि बीते दो महीने की बात करें 17 घटनाएं हो चुकी हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ऐसी कौन सी व्यवस्था चल रही इसके तहत यहाँ पर इस प्रकार से जानबूझ कर हिंदू जुलूसों को, विसर्जन यात्राओं को निशाना बनाया जा रहा है, क्या मानते हैं? एक योजना लगता है कि चल रही है, साजिश है। हिंदू धर्म के लोगों के जो भी प्रोसेशन है, जो भी धार्मिक आयोजन है, उसमें करना, यहाँ तक कि बांग्लादेश में तो ये तक किया गया कि दुर्गा के मंडप पे इस्लामी गीत गाए गए। ये कौन सा विषय है? क्यों आप वहाँ पहुँचे इस्लामी गीत गाने? ऐसे ही एक नया सिस्टम देखने को मिला, नया घटनाएं देखने को मिली कि रेल की पटरियों पे भी इस तरह के रखे अवरोध किए जा रहे हैं जो कि दुर्घटना से प्रेरित हैं, उसको पीछे दुर्घटना का भाव है। तो ये कहाँ की शिक्षा मिल रही है, कौन लोग इनको साजिश कर रहे हैं, ये एक शोचनीय विषय है। और जो लोग पकड़े गए वह एक ही समुदाय के क्यों हैं, यह भी शोचनीय विषय है। इसलिए इसमें कड़ाई से कार्रवाई होगी। एक सवाल और रहेगा, अखिलेश यादव सपा प्रमुख, उन्होंने कल बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि वहाँ पर पुलिस का फेलियर है, सरकार का फेलियर है और डीजे पर कौन सा गाना बज रहा था ये जानने वाली बात है। आपको लगता है कि निश्चित रूप से वहाँ पर जिस तरह से समरा विशेष द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई है, वहाँ पर अंजाम दिया घटना को, वहाँ पर कुछ कटाक्ष होना चाहिए था, डीजे की बात ना उठा? देखिए, अखिलेश यादव हों चाहे विपक्ष के राहुल गांधी हों, ये सब लोग सिर्फ एक वर्ग विशेष की तुष्टिकरण के लिए दूसरे वर्ग विशेष को नीचे दिखाना चाहते हैं। ये क्यों नहीं पूछते कि ऐसी घटनाएं क्यों हुई? क्यों ये नहीं कहते कि ये घटनाएं जो पत्थरबाजी करते हैं धार्मिक जुलूसों पर या धार्मिक आयोजनों पर, उनको कंडेम क्यों नहीं करते? इसका साफ मतलब है कि वो चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहें जिससे उनकी राजनीतिक दुकानें चलती रहें। एक विपक्ष और कह रहा है कि चूंकि उपचुनाव आ गए इस तरह से अब जानबूझ के उत्तर प्रदेश की घटनाओं को अंजाम दिया जाए, ये वो खुद देखें ना, वो अंजाम वो दिलवा रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं। मैं अगर अपराधी को बचाता हूँ तो इसका मैंने अपराध और अपराधियों को दोनों को प्रवोक करता हूँ। जो वाकई अपराधी है उसको कंडेम करें सामाजिक रूप से, उनकी निंदा करें, उनके लिए ये कड़े शब्दों का उपयोग करें कि उनको जेल भेजा जाना चाहिए, तो रुकेगा। अब तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे भी नहीं ये लोग, क्योंकि चाहते हैं कि ऐसी घटना से उनकी राजनीतिक दुकानें चलें।
फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।